फरीदाबाद बुदाना से प्रधान पद के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार खटीक ने ग्रामवासियों से अपील कर वोट मांगे। आइए जानते हैं सुरेंद्र कुमार खटीक से क्या उद्देश्य है प्रधानी लड़ने का और जीतने के बाद क्या क्षेत्र में विकास करेंगे। साथ ही ग्रामवासियों से भी जानकारी लेंगे आखिर किसको पसंद कर रही है जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4E न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं बेगमाबाद गदान बुदाना, जहां से प्रत्याशी हैं प्रधान प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार खटीक जी। स्वागत है सुरेंद्र जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, हम जानना चाहते हैं कि आप प्रधानी लड़ रहे हैं बेगमाबाद से, और क्या पहले भी आप लड़े हैं चुनाव? नहीं सर, मैं ये मेरा पहला चुनाव है, लेकिन पहले मैंने कई चुनावों में प्रत्याशी के साथ पार्टिसिपेट किया है। अच्छा सुरेंद्र जी, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं? जी बताइए। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार खटीक है, मैं आपका ही बच्चा हूँ। आपके समक्ष में मेरा राजनीतिक मेरा न तो पैसा है ना उद्देश्य है। मैं चाहता हूँ मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी समाज को दूं, जो मैंने समाज से लिया मैं समाज को वापस दूं। कमाना मेरा पेशा नहीं है। आप देखिएगा जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं वो सब गरीबों के लिए आते हैं, ये जो लोग ऐसा आए हैं उसमें भी कमीशन खोरी इतनी ज्यादा है। आप देखो एक सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए सुलभ शौचालय बनाए, 12,000 उसकी सरकार की अनुदान राशि थी, उसमें भी पहले उससे 2,000 रुपए लिया जाता एडवांस, उसके बाद उसको 10,000 रुपए दिए जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले तो प्रयास यही रहेगा कि मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को हटाऊंगा। जो योजनाएं सरकार से डायरेक्ट आती हैं वो डायरेक्ट पहुंचे जो उसके लिए तत्पर है, जो उसके लिए पार्थ है, जो उसकी प्राथमिकता सरकार ने डिसाइड करी है वो योजनाएं सीधे उन तक पहुंचे। ताकि देखिए गरीब, सरकार का मैक्सिमम फोकस गरीबों पे ही रहता है। जो लोग सबल हैं, जो लोग सक्षम हैं, सरकार उनको अलग तरीके से देती है। लेकिन जैसे हम बेगमाबाद बुदाना हमारी बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, आपने पहले भी देखा होगा बहुत लोग कैंडिडेट आते हैं चुनाव के नाम टाइम पे सक्रिय होते हैं, अपील करते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ अब अपने बाकी जीवन के 10-5 साल जो बचे हुए हैं, 60 साल अनुमानित उम्र होती है, 45 से मैं हो चुका हूं, मैं समाज को देना चाहता हूं। ईश्वर ने मुझे इतना दिया कि मुझे और कमाने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं चाहता हूं मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो अब आप सर बताएं आपका मेन उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं समाज को अपनी तरफ से कुछ वापस दूं, जो भी भ्रष्टाचार है उसे खत्म करूं, जिस व्यक्ति के लिए जो योजनाएं उस तक पहुंचे, जो योजनाएं देश सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार देती है वो सभी योजनाओं को मैं लेकर आऊं। ठीक है, नाली खड़ंजों से ऊपर ही बहुत सारी योजनाएं होती हैं, लेकिन क्या तो सभी प्रधान सिर्फ नाली खड़ंजों पर योजनाओं पर अपना ध्यान देते हैं। रीजन क्या है? उनको वहां से कमीशन मिलता है। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, ये ट्रेंड है, ये प्रचलन है। सब लोग सिर्फ कमाने के लिए खड़े होते हैं, खड़ंजा बनवाते हैं, नाली बनवाते हैं, बात खत्म। इनके अलावा भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार देती है, उन योजनाओं का किसी को लाभ नहीं मिलता, मिलता है तो कमीशनखोरी पे मिलता। तो मैं देखिए जीतना हार रहा तो ऊपर वाले के हाथ है, मैं तो सिर्फ आप लोगों से अपील कर सकता हूं। मुझे हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का सहयोग मिल रहा है, ईश्वर ने चाहा तो मैं सफल हूंगा। ताकि आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या अधिकार आपका है, मैं तो मांग रहा हूं, यदि आपको लगता है मैं इसका पात्र हूं, इस योग्य हूं, तो मुझे मेरा अधिकार दे। मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ग्रामवासियों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? ग्रामवासियों से यही अपील है कि सही को चुने, 5 दिन के लालच में ना फंसे। ये लोग जो अभी 5 साल आपके साथ हैं, 5 दिन आपके साथ हैं, 5 साल आपको पीछे कटाएंगे। 5 दिन आप मेरा साथ दे दो, मैं 5 साल आपकी सेवा में रहूंगा। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? सर मैं MCOM MBA LLB हूं। चूंकि मैं कानून पढ़ा हूं तो मुझे पता है कानून क्या है। मैं गलत काम को ना तो सपोर्ट करूंगा ना गलत काम करूंगा। मेरी प्राथमिकता है मैं युवाओं को साथ लेके चलूं। भारत सरकार इतनी योजनाएं चलाती हैं, कौशल इतने डिपार्टमेंट खोले हैं, लेकिन वो योजना यहां तक नहीं आते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि जो मैं अपने गांव के लिए कर पाया वो मैं करूंगा, जहां मुझे बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। मैं किसी व्यक्ति को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, हर ग्राम पंचायत जितने भी सदस्य हैं सभी मेरे प्रतिनिधि होंगे, वहां मैं खुद जाके काम करूंगा, करवाऊंगा। तो कृपया अपना सहयोग दें, आपके सहयोग से कुछ हो पाएगा, स्वच्छ राजनीति ऐसे ही आएगी। मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप, तो प्लीज टेबल लैंप पर मोहर लगाएं और अपना आशीर्वाद मुझे दें। आपके आशीर्वाद के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो स्वच्छ राजनीति चुने, धन्यवाद। गीता, प्रधान प्रत्याशी के लिए किसको पसंद कर रहे हैं आप? जी हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो गांव के लिए फायदेमंद हो, पढ़ा लिखा। आपकी नजरों में कौन है?
हमारी नजर में सुरंदर है, पढ़ा लिखा, हम उसे ही चाहते हैं कि वो ही प्रधान बने। क्या नाम है आपका? राहुल जी। राहुल जी किसको पसंद कर रहे हैं प्रधान प्रत्याशी के लिए? जितने भी प्रत्याशी हैं, सबसे अच्छे अभी तक जो वेल एजुकेटेड मैन है वो सुरेंद्र कुमार खटीक जी हैं, और हम लोग तहे दिल से उनके साथ हैं, उनको ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। राम किशोर जी, जितने प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं उनमें से आपको किसको पसंद करते हैं, किसको वोट देंगे? सुरेंद्र कुमार को। सुरेंद्र जी में ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको? पढ़ा लिखा है जी, सबसे हुआ ये क्वालिटी देखी जी। मेरा नाम कृष्णा है। माता जी, बेगम वास्ते इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं प्रधानी चुनाव के लिए, किसको आप वोट करना चाहेंगे? सुरेंद्र को। सुरेंद्र जी के अंदर ऐसी क्या खूबी आपने देखी जो? अच्छा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, इस गली का बच्चा है, जहाँ तक भी हो सपोर्ट होगा करेंगे, वोट देंगे। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश कुमार। सतीश जी, जैसा कि प्रधानी में बहुत सारे दावेदार हैं, किसको आप वोट करना चाहेंगे, किसको आप पसंद करते हैं, कौन प्रत्याशी आपका मन पसंद है? मैं जी सुरेंद्र कुमार जी को वोट दूंगा, जिनका चुनाव चिन्ह लैंप है। धन्यवाद। अमित जी, प्रत्याशी खड़े हैं काफी इसमें बेगमाबाद में, किसको आप पसंद करते हैं, कौन आपका चुनिंदा है? देखिए, हम चाहते हैं कि गांव में बदलाव हो, और कोई शैक्षिक हमारा जो प्रधान हो, ग्राम प्रधान, वो शैक्षिक हो, उसकी शैक्षिक योग्यता पर हम उसको चुनेंगे। जो कि अभी तक जितने प्रत्याशी लड़े हैं या लड़ रहे हैं आज के चुनाव में, तो सबसे ज़्यादा सुरेंद्र कुमार जी हमारे शैक्षिक हैं, और उनकी शैक्षिक योग्यता के साथ पे पूरा गाँव उनके साथ है हमारी तरफ से। क्योंकि इतना सम्मानित लोग हैं यहाँ पे, और गरीब तबका भी है, तो उसके बारे में सोचते हैं, एजुकेटेड क्या है, अभी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग, तो उसको देखते हुए हमने सुरेंद्र कुमार को चुना है। वो एजुकेटेड और पढ़े लिखे हैं और समझदार व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? भूषण बड़गुजर। भूषण जी, आप प्रधान प्रत्याशी के रूप में किसको पसंद कर रहे हैं? जी, अभी तक तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुरेंद्र कुमार खटीक जी हैं, उनको ही हम सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनका समाज सेवा की तरफ सारा वो है फोकस, और ये किसी भी चीज में वैसे नहीं है, तो पूरा हमारा वोट और सपोर्ट सुरेंद्र कुमार खटीक जी को है। और जो हम युवाओं का रुझान देख रहे हैं वो भी सुरेंद्र कुमार खटीक जी की तरफ, पढ़े लिखे पता नहीं, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई भी कैंडिडेट नहीं है। किसको वोट देना पसंद करेंगे? लैंप वाले को। बस ऐसे ही। क्या नाम है आपका? पूजा कुशवाहा। पूजा जी, जो प्रत्याशी खड़े हैं, प्रधान प्रत्याशी खड़े हैं काफी, उनमें से किसको आप पसंद कर रहे हैं, किसको आप वोट देंगे? सुरेंद्र कुमार भैया को। सुरेंद्र जी को वोट देंगे। सुरेंद्र जी को ही क्यों देंगे? देखिए, एक तो वो पढ़े लिखे हैं, वो समझ सकते हैं कि हमारी जनरेशन को क्या चाहिए, क्योंकि जो भी आता है सब अपने घर भर रहे हैं। इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं, इन्होंने कहा कि ना हम पिए ना हम पिलाएं, इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। हम महिलाएं ने समर्थन कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और हमारी रैली ऐसी कहीं नहीं जा रही कि जिसमें ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, तो इसीलिए हमें इन्हीं को वोट देंगे। फतेह सिंह जी, आप किसको वोट करना चाहेंगे? ये सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र कुमार जी को। हाँ, ऐसी क्या क्वालिटी आपने सुरेंद्र कुमार जी के अंदर देखी जो उनको आप वोट करना चाहते हैं? सही है, पढ़े लिखे आदमी है, अच्छे है, लायक है, प्रधान लायक है। लैंप वाले को जी। लैंप वाले को क्यों? अच्छे है, बढ़िया है। क्या क्वालिटी है इनमें? देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और बेल का आइकन दबाएं, और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।